बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाशिम अली खान के बारे में। शाहरुख खान की बहन भाइयों में 11वें नंबर पर हाशिम अली खान उर्फ चंका जी है। वो अमानुल्लाह खान बरग्राम के दामाद थे। आप बहुत वजीह थे, तुर्खो सफेद हट्टा कट्टा जिस्म, मजबूत और ताकतवर आसाब के मालिक थे। मैट्रिक के बाद सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और बहुत मुखलिस सियासतदान थे। दीपाकी और बहादुरी का यह आलम था कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ जब वजीरे आला सूबा सरहद थे तो किसी बात के इख्तिलाफ पर उनको ग्रेबान से पकड़कर एक जोरदार तमाचा उनके मुंह पर मारा और आंदा बटरम न आने की धमकी दे दी। खानदान के छोटे अदब से इनको चंका जी पुकारा करते थे। वो कहा करते थे, मैं कभी बीमार नहीं हुआ और अगर बीमार पड़ गया तो बीमारी जानलेवा साबित हो। चनांचा ऐसा ही हुआ। एक दिन MNA हॉस्टल इस्लामाबाद में सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि अचानक सांस फूल ले ली। अस्पताल लेकर गए तो आर्जे कल्ब का पता चला। इलाज में कोई कसर ना छोड़ी, अमरीका तक गए मगर दिल तक डूबा जा रहा था। खानदान के तमाम अफराद के साथ जिंदा दिलाने ताल्लुकात थे। इनके बेटे जहीरुल्लाह खान अमरीका में मुसलसल इलाज कराने पर जोर दे रहे थे तो कहा, तुम यही रहो, मैं अपने खानदान वालों को देखने के लिए लौट रहा हूँ। और ऐसा ही किया। बेटे को वहाँ छोड़कर वापस आ गए। जब वहाँ एक डॉक्टर ने कहा कि दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा है, कहा दिल तक गया होगा, बचपन से मुसलसल काम कर रहा है, बेचारा क्या करे। यूनियन काउंसिल पेमाल के चेयरमैन और यूनियन काउंसिल टाकोट के वाइस चेयरमैन रहे। आखिरकार ये निडर इंसान अपने ही दिल के हाथों शिकस्त खाकर 18 अप्रैल 2001 को इस दरे फानी से कूच कर गए। शाहरुख खान को जब इनकी वफात की इतला दी गई तो वो बारी कदमों के साथ इनके पास आ गए। रमजेब खान पहले ही अफसरदा बैठे थे। शाहरुख खान ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम मेरे दफीन के इंतजाम करोगे लेकिन तुम हर काम में जल्दी करने वाले थे, मेरे बुढ़ापे का ख्याल भी ना किए और चल दिए। हाशिम खान की औलाद में सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम जहीरुल्लाह खान है। ये आजकल अमरीका में मुकीम है और रमजेब खान का दामाद है। इनकी एक बेटी जो बचपन में वफात पा चुकी है और दो बेटे उस्मान और सुलेमान है। जहीरुल्लाह खान के बाद इनकी बेटी आती है जो जोजा सैफुल्लाह खान वल्दे अमानुल्लाह खान है। हाशिम खान के दूसरे बेटे का नाम नूरुल्लाह खान उर्फ बाचा खान है। 6 अप्रैल 1981 को इनकी पैदाइश हुई। मुमताज खान का दामाद है। इनके दो बेटे हसीब और दाऊद है। फिर हाशिम खान की एक और बेटी आती है और उसके बाद अजमल खान। अजमल खान और गुल बादशाह 6 फरवरी 1983 को पैदा हुए। शाह आलम चकेसर का दामाद है। इनकी दो बेटियाँ और एक बेटा अकमल खान है। शाहली खान जो दामाद नियाज अली खान वल्दे इस्तेफानोश खान है। इनकी एक बेटी और दो बेटे अहमद वली और मोहम्मद वली है। हाशिम खान की औलाद में सबसे छोटी बेटी है जो जोजे कलीमुल्ला खान बड़ग्राम है। इनकी तीन बेटियां और एक बेटा मूसा खान है। आज के लिए इतना ही। हिस्ट्री ऑफ ताकोट की अगली किस्त में आप शाह मोहम्मद खान के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वसलाम।